अब मेरे पास यहाँ पे रेट और क्वांटिटी है, मैं अमाउंट का टोटल निकालना चाहूँ इनके, अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ये अमाउंट का है, फिर इसका टोटल करूँगा। ठीक है जी, पर मैं ये चाह रहा हूं कि इस टोटल को निकालने के लिए जितने मेहनत की थी ये कुछ नहीं करूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सारा जो भी है अमाउंट का ग्रैंड टोटल यहाँ चाहिए। इसके लिए हमारे पास वैसे तो एक फंक्शन भी है, सम प्रोडक्ट, जिसमें ये मैं सिलेक्ट करूंगा पहला पैरामीटर, दूसरा ये सिलेक्ट करूंगा, ये मुझे रिजल्ट दे देगा। पर मैं इसको यूज ना करना चाहूँ, अरे इसमें क्या कर सकते, मान लीजिए सम प्रोडक्ट का फंक्शन नहीं होता हमारे पास, अब क्या करेंगे? सम क्या करता है, जब हम सिंगल सिंगल ये ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर जब आपको रेंज का टोटल देना हो ना, जैसे रेंज पे कोई काम कराने हो, अभी हमने क्या किया, सिंपल सिंपल ये मल्टीप्लाई बाय ये सिंगल मल्टीप्लिकेशन किया ना, अब जब हम इसको रेंज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक रेंज का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल सर मल्टीप्लाइड बाय मल्टीपल 30, ठीक है जी, ये आपस में गुणा होते जाएंगे, देन सम इसको सम कर देगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं करेक्ट। ठीक है जी, मतलब ये जो मेरा को इतनी सेल में करना था ये मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं एक ही फॉर्मूला के जरिए ये सब कर सकता हूँ। मान लीजिए एवरेज निकालते हैं इनका, सिंपल एवरेज निकाला मैंने, इतना आया। अब मैं चाहता हूं कि केवल उनका एवरेज आए जो 50 से बड़े हैं, मतलब ये ग्रेटर देन 50। जहां जहां ट्रू आ रहा है खाली उसका टोटल ले। इसके लिए क्या लगाता हूं मैं, एवरेज इफ रेंज ये हो गई ना, रेंज ये हो गई, क्राइटेरिया रेंज रहा मेरा ट्रू और एवरेज रेंज रही मेरी ये वाली डिवाइड बाय 0। अच्छा आप पे वन कर दूं, अभी भी नहीं, इकहत्तर। ये किए सपोज ये हो गया और ये हो गया 426 डिवाइडेड बाय 6, 71 के आसपास ही आता। ठीक है जी, अब ये मैंने एवरेज इफ के जरिए किया। ठीक है जी, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता, अब मैंने जो क्राइटेरिया लगाया, मैंने लगाया एवरेज। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने रेंज ले ली,
ये मल्टीप्लाइड बाय इस रेंज में जो ग्रेटर देन 50 हो, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। फोर्टी टू पॉइंट सिक्स ग्रेटर देन 50 में कितने आए थे मेरे? 6 आए थे ना। दो सौ पचपन ये चार सौ छब्बीस एक जगह गड़बड़ की है हमने। जब भी कोई भी लॉजिकल कैलकुलेशन करें तो मल्टीप्लाइड बाय वन लगाते हैं। पर इसमें चक्कर क्या हो रहा है ना, ये सबसे गुणा कर लेगा एवरेज, ये 518 बाकी को एज ए ये जीरो ट्रीट कर रहा है। कितने हैं? अच्छा 10 है। देख लेते हैं, खुद ही देख लेते हैं क्या कर रहा है। एवेल्युएट फॉर्मूला, इसने ये वैल्यू निकाली, इसने क्या किया, ट्रू फॉल्स दे दिया जितना भी था, मल्टीप्लाइड बाय वन हुआ। अब सामने वाला अपने आगे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो जीरो से मल्टीप्लाई होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, 80 85 79 51 61 70 बाकी 0 0 0। तो इसने सबको लिया फिर उसका एवरेज निकाल दिया, यानी कि अगर मैं कहूं कि 50 से ऊपर वालों का सम करें, एवरेज नहीं निकालते सम करें, तो ये रिजल्ट आएगा। क्योंकि एवरेज में डिवाइड उसी से ही करने की दिक्कत जरूरत होती है ना, जैसे ये लेते हैं हम और ये ले लेते हैं, 426 आ रहा है। ठीक है जी, और देखते हैं और एग्जाम्पल इसके। अब मान लीजिए मेरे पास कुछ डेटा है, मुझे इसमें यह काउंट करना है कि टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, मतलब कि लेंथ निकालूंगा हर एक की, देन सम करना है। ये चीज चाहिए मुझे,
इसके लिए क्या करेंगे हम, सम लेंथ, इसमें जो हम सिंगल सेल देते हैं वो सारी सिलेक्ट कर लेंगे, ये कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है जी। अब कोई नंबर है, इसमें हमें टॉप फाइव, जैसे यही है, इनमें से हमें ना टॉप फाइव का टोटल करना है, उसके लिए क्या लगाएंगे, हमारे पास एक लार्ज का फंक्शन होता है, वैसे क्या करता मैं, यहाँ इसको अलग कर लेता हूँ, मैं 1 2 3 4 5 नॉर्मली इसके लिए क्या निकालता मैं, लार्ज एरे ये है और जो पोजीशन है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता, के मतलब पोजीशन, इसकी 85 सबसे बड़ा है, इसको फिक्स करके ट्रैक कर देता हूँ, ये हो गए टॉप फाइव मेरे, प्लस कितना ये चीज चाहिए मुझे, कैसे करेंगे, सम लार्ज ये एरे चूज हो गया मेरा। अब यहां पे जो मैं ये 1 2 3 4 5 दे रहा था ना, उसको मैं ये दे दूंगा 1 2 3 4 5, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है जी। स्मॉल वैल्यूज का क्या करें, कैसे करेंगे, लार्ज की जगह स्मॉल लगा देंगे, सम स्मॉल एरे 1 2 3 4 5, ये स्मॉल 5 वैल्यूज का हो गया, अब सपोज यहां पे हमारा कुछ रिजल्ट आया, हमने कहा है कि ये जो है ना, जैसे एवरेज है 10 वैल्यू है वैसे दिखा रहा है, हम कह रहे हैं कि जीरो को वैल्यू मत काउंट करें, ये जैसा कि मैंने पहले बताया था उनका एवरेज निकाले, जैसे पहले बताया था मैंने एवरेज के लिए, अब इसमें एक लॉजिकल कंडीशन लगाते हैं, इफ जे ग्रेटर देन एक, मतलब नेगेटिव नंबर्स का एरर वो एवरेज ना ले, ये तो ग्रेटर देन जीरो करके हो जाएगा, इसमें बड़ी चीज क्या है कि नेगेटिव नंबर्स ना हो, जीरो तो चलेगा, मान लीजिए यहाँ पे ना नेगेटिव नंबर है तो इसका क्या करेगा, एवरेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं चाहता हूँ नेगेटिव ना ले पॉजिटिव ही ले, एवरेज इफ ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो वापस यही दे दे, ट्रू में आ जाएगा सीधा, फॉल्स में ऑटोमेटिक ही जीरो आएगा, ठीक है जी।
क्लोज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आए, पॉजिटिव ही आए, जैसे कि यहाँ से उठा लिया, ये उठा लिया और ये उठा लिया, 369 ये एवरेज दिखा रहे थे, 46.125। अब मान लीजिए आपको मैच करने हैं, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है, इसके सामने यहाँ है, हम ये चाह रहे हैं कि इसमें मैच कितने हुए, मतलब सामने सामने 80 के आगे 80 है, 85 के आगे 85 है, यहाँ 79 के आगे -79 है, तो ये अनमैच्ड हो गया। तो हम क्या काउंट करना चाहते हैं कि टोटल मैच्ड वैल्यू कितनी है, इसके लिए क्या लगाएंगे हम, सम। ये इक्वल टू ये क्लोज, ये पूरा ही ब्रैकेट में आएगा, मल्टीप्लाइड बाय वन ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इसमें का 8 वैल्यू है, टोटल 10 है जिसमें से 2 अनमैच्ड है। देना ठीक है जी, चेंज ना कर रहे हैं। हेलो हाँ जी, सर, ये स्क्रीन नहीं आ रहा आपका जो आप ये कर रहे हो। स्क्रीन नहीं आ रहा, अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया, ठीक है। और सर हम कुछ एरे फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे, जहाँ कल मैंने छोड़ा था उसके आगे हाँ कुछ। ठीक है चलिए, ठीक अब जैसे एक सिंपल सा हम लॉजिकल फॉर्मूला लगाते हैं, और का दूसरी तरीके से यूज एक किया जाता है। मैंने तो आपको बोला यहाँ सामने सामने मैच्ड करने के लिए, कई बार क्या होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि ये चीज इस लिस्ट में है कि नहीं, जैसे ये नाम है, अब ये नाम मैंने यहाँ डाल दिया और किसी भी उसमें होते हैं उनकी सॉर्टिंग कर दी, अब ये नाम उलट पुलट होगा इस लिस्ट में, अब मुझे ये देखना है कि ये नाम इसमें है कि नहीं, इसके सामने सामने लिखवा देना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं और का, मोस्टली ये किसी और शीट पे होता है ऐसा डाटा हमारे पास, और इससे रिलेटेड मैं खाली ये पता करना होता है कि हमें लिस्ट ए है ये बी है, कई बार ये पता करना होता है कि इस लिस्ट बी में लिस्ट ए का कितना डाटा है, इसके लिए ज्यादातर क्या लगाते हैं, वी लुकअप यूज करते हैं, यहाँ से लुकअप नेम ये कर दिया, टेबल एरे ये हो गया, कॉलम इंडेक्स 1 0, यहाँ से नाम आ जाए तो समझ लीजिए वो है, अब मतलब वैल्यू है उसमें, या फिर करते हैं मैच का नंबर आ जाए तो समझ लीजिए उसमें है। अगर हमें खाली यही जानना है तो हमारे पास एक फंक्शन होता है और का, आप यहां से फुल रेंज सिलेक्ट कर लीजिए, इधर से इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर,
यहाँ से नंबर चेंज हो गया, तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, फिर करता हूँ इस लिस्ट को, फोर दबा के फिक्स कर दिया। अब टू कंट्रोल शिफ्ट एंटर, सारे आ रहे हैं अलग अलग लिस्ट में, कहीं भी मैंने पूछा प्रदीप परवीन कर देता हूँ, ये नहीं है, फॉल्स आ गया। तो एक छोटे से फॉर्मूला से ये आपका मोस्टली काम हो जाता है, पर इसमें वो आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता। जब इसमें एज ए एरे फॉर्मूला है, तो ये सिंगल वैल्यू को इन सारी सेल्स में बारी 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 चेक करता हुआ आया, मिल गया तो इसने ट्रू कर दिया। अब इसमें हुआ क्या, और फॉर्मूला ही क्यों लगाया, और कोई क्यों नहीं लगाया? हम नॉर्मल वैसे भी तो करके दे सकते थे कि एक रेंज दे देते इक्वल टू करके, मल्टीपल फॉर्मूला है, पर और की एक खास बात होती है। अब मैं वो कैसे किया वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट वैल्यू को जब चेक कराने की बारी आई, तो इसने क्या किया, ये पहले ये लिया इक्वल टू ये लिया, इसको मैं फिक्स कर देता हूं। ठीक है जी, मैंने चेक कराया इक्वल टू आनंद को ही, सब में चेक करा लिया, तो ये मिल गया इसे आनंद। अब और फॉर्मूला क्या करता है, और मैं अगर मैं ये सारे लिख के, ये सारे रिजल्ट दे के कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारता हूँ, तो ट्रू आएगा। क्यों, और में कितनी भी कंडीशन हो, अगर उनमें से एक भी ट्रू है, तो रिजल्ट ट्रू ही आएगा। ठीक है जी, ये फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है, ये मुझे बहुत मतलब महीने डेढ़ महीने में समझ में आया था। ये लास्ट में आपने कर दिया और का अरे और का, ये जो ये वाला आपने फॉर्मूला, हाँ और का ना मैं देख के बताऊं, और की कंडीशन में मैंने एक चीज बताई थी ना आपको, जब दो लॉजिकल कंडीशन एंड क्या करता है, इसमें आपकी दोनों लॉजिकल कंडीशन या जितनी भी है सारी ट्रू होनी चाहिए। मान लीजिए ये ट्रू, एक ट्रू प्लस दूसरा फॉल्स देता हूं, तो एंड मुझे क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। पर और मैं क्या करता हूं, मैं एक फॉल्स दे देता हूं और एक ट्रू दे देता हूं, क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। यानी कि एंड में सारी कंडीशन जो है उनका रिजल्ट ट्रू आना चाहिए, तभी ट्रू देगा, और में कोई भी एक ट्रू दे दे तो वो ट्रू दे देगा, कोई भी एक ट्रू दे दे। 10 कंडीशन है, 10 में से एक भी सच हो गई, ट्रू में हो गई, तो वो ट्रू ही रिजल्ट आपको रिफ्लेक्ट करेगा। इस चीज का कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूले में लगा हुआ है। इसने बारी बारी आनंद भरत और सबको चेक कराया, जहां से भी एक कॉलम में ट्रू मिला उसने वो चीज दिखा दी, रिजल्ट दिखा दी। परवीन इसे कहीं नहीं मिला, सब में फॉल्स था इसलिए फॉल्स दिखाया। अब 2013 में हमारे पास एक नया ऑपरेटर जुड़ा है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में एक नया ऑपरेटर जुड़ा है, वो इसका रिवर्स काम करता है, एक्सोर ऑपरेटर कहते हैं उसे। उसमें क्या है कि जब एक कंडीशन ट्रू होगी, बाकी सारी फॉल्स होंगी, तो ट्रू दिखाएगा, या एक कंडीशन फॉल्स होगी बाकी सारी ट्रू होंगी तो ट्रू दिखाएगा। दो केसेस में बस, मतलब उसमें नेसेसरी ये है कि केवल एक ही कंडीशन हमारी, 10 कंडीशन में से 9 कंडीशन या तो फॉल्स हो या तो ट्रू हो,
सारी ट्रू हो तब भी फॉल्स दिखाएगा, उसका मतलब है कि दोनों उसे वेरिएशन मिलनी चाहिए। और जिसकी सब एक कंडीशन ट्रू एक कंडीशन फॉल्स, वो इसी पे काम करता है। एग्जॉर कहाँ लगेगा अभी मुझे खुद भी नहीं पता। हम चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। मान लीजिए यहां पे कोई चीज हमारी, हमने इसी में किया था, जीरो हो जाती है। फॉर्मूले से ला रहे हैं तो कहीं कहीं जीरो हो जाता है, या फिर यहाँ तो सही है डिवीजन का, जहाँ वर्क आता है हमारा डिवीजन में काम आएगा वो। डिवीजन का होता है सेल्स टारगेट में। अचीव परसेंटेज मान लीजिए निकाल रहे हैं, अब हमें इसका सम चाहिए टोटल का, क्या दिखाएगा, या वैसे भी एरर ही दिखाएगा, डिवाइड बाय जीरो। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है जो इसका वो दिखा सके, कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो एरर के बीच में आपको सम करके दिखा सके। यहाँ पे स्पेशली आपका एरे फॉर्मूला यूज होगा। हम क्या लगाएंगे, सम। रेंज मैनिपुलेट करने के लिए हम इस पूरी रेंज को लेंगे इफ कंडीशन के अंदर। हमने कहा इफ एरर नहीं, सबसे बढ़िया तो हम इसका फॉर्मूला ले लें, उसमें तो हम करेंगे इक्वल टू एरर करेंगे ना, इसमें एरर ऑलरेडी आ रही है। हम कहेंगे इफ एरर ये है, इनमें कहीं अगर एरर आ रही है तो हमारा रिजल्ट जो है वो जीरो हो जाए। मतलब जैसे कहीं भी एरर है उसको जीरो में कन्वर्ट कर देगा। इफ एरर क्या करता है, जैसे वी लुकअप में हम लगा देते हैं तो सिंगल वैल्यू पे अगर वहां एरर आती है तो उसके रिप्लेसमेंट में कोई वैल्यू दे देता है। अब यहाँ रेंज एक रेंज में से कहीं भी एरर आएगी तो वहां जीरो फिट कर देगा अपने आप। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हो गई टोटल सेल, टोटल टारगेट, ये आपका रिजल्ट अचीव्ड परसेंटेज मान लीजिए, ये सारा परसेंटेज में लगा दें या जो भी हो, जहां टोटल की जरूरत हो, डिवाइड में तो है नहीं। ठीक है जी, तो मेरा बेसिक मकसद था कि किसी एरर के बीच में वैल्यू कैसे लानी है, वहां फॉर्मूला कैसे वर्क करें। जहां आपको लगता है कि 50 फॉर्मूलों के बीच में से वैल्यू छन के आ रही है, कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है उसके लिए। अब थोड़ा सा एक बड़ा फॉर्मूला लगाते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास वैल्यू, इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मुझे।
इसमें सबसे हमें ना मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, सबसे बड़ी वैल्यू जो है निकालनी है और यहां लिखवानी है। कैसे कैसे निकालेंगे? मैच मैक्स लेन पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। मैक्स लेंथ और क्या लगाएंगे? मैक्स इसमें से मैक्स लेंथ मल्टीप्लाई कीजिए। मैक्स लेंथ लेंथ ठीक है जी। चौथी वैल्यू है इसमें, इंडेक्स दे दिया। चाहो तो मैं इंडेक्स इसी के अंदर जाके निकाल लूं और अदरवाइज मैं यहां से वैल्यू प्रिंट करा दूं। अब इसमें मैं नवीन ठीक है जी। फॉर्मूले ने काम कैसे किया ये मैं दिखाता हूँ आपको। इवैल्यूएट करते हैं। पहले लेंथ ने सबकी लेंथ निकाली, सबसे बड़ी लेंथ जो आपको दिख रही है ये वैल्यूज में आया। लेंथ ने सबकी नंबर्स निकाल के दे दिए कि इतने इतने कैरेक्टर सब में। मैक्स ने क्या किया? सबसे बड़ा कैरेक्टर उठाया, ठीक है जी, 28। अब दूसरी लेंथ ने क्या किया? वैसे ही निकाले। मैच ने क्या किया? पहली जो लुकअप वैल्यू थी उसको एक एरे में ढूंढा और देन उसकी पोजीशन दे दी, इंडेक्स पोजीशन। वो क्या है? 1 2 3 4 या 5, 5 थी यानी, ठीक है जी। तो इस तरह से काम किया इसने। ये शुरुआत में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इस चीज में प्रैक्टिस बहुत चाहिए इसको समझने के लिए, करने के लिए। मुझे इसी में लेना हो तो कैसे लूंगा? देखूं एक बार, ट्राई करके इंडेक्स लगा के लेता है कि नहीं। इंडेक्स में ये रहा एरे और मैथ से तो
एक पोजीशन आएगी ही, देखते हैं वैसे चल जाए तो। चल गया जी, यहाँ पे कोई भी जो भी बड़ा होगा वो अपने आप दिखाई देगा। ठीक है जी, तो ये आपका था एरे फॉर्मूला। इसमें अगर कुछ पूछना चाहें इससे रिलेटेड। हाँ जी पूछ सकते हैं अब कोई अगर सवाल हो तो। अगर हम नंबर्स में कर रहे हो तो यहाँ तो हमने लेंथ देख लिया करेक्टर का, टेक्स्ट का, नंबर्स हाँ जी में भी लग सकता है एरे फॉर्मूला कोई। हाँ, नंबर्स पे मैंने आपको यहाँ पे नंबर्स में बहुत सारे फॉर्मूला दिखाए हैं। बेसिकली ये नंबर के लिए ही होता है, ये जो जितना भी एरे फॉर्मूला है ज्यादातर नंबर पे काम करता है। टेक्स्ट में थोड़ा बहुत ही यूज है इसका, क्योंकि लॉजिकल कंडीशन से हम कराते हैं और बहुत सारी चीज होती है। बाकी अगर आपको और भी देखना है ना इसमें, तो आप ना टेक ऑन द नेट पे जाके एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। एक्सेल में आप आएंगे, एक्सेल के सेक्शन में, यहाँ एरे फॉर्मूला। चलिए 2 दिन का होमवर्क है आपका, ये सारे करके देखेंगे, जो नहीं समझ आएगा उसे मैं करके दिखाऊंगा। ओके ठीक है जी, ये सारे के सारे करने हैं। इसमें अगर कोई ना समझ आए तो, वैसे है नहीं इतना आसान मतलब आसान ही है। इसमें मैंने जैसे पहला वाला आपको कल आपको बताया ही था, अब आपके आपको शायद ये वाला आसान लगे। जैसे 3 लिस्ट हैं, ठीक है जी, इन्होंने जो क्राइटेरिया का सेट किया है, रेंज में मत उलझे कभी भी, ज्यादा कुछ भी नहीं है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि ये लॉजिकल कंडीशन, ये रेंज जो है आगे इन क्राइटेरिया को चेक कर रही है। सिंपल इतना देखें, पीछे की वैल्यू ये क्या है, इक्वल टू 150, यानी कि 150 हो और क्या हो, इक्वल टू यू हो, यानी इसमें सी वाली में इक्वल टू यू है। ये इसका प्रोसीजर है। और फंक्शनैलिटी क्या है इसकी, कि ये रेंज में से पहले पूरी रेंज लेगा, फिर मल्टीप्लाई आपका जहाँ 150 150 मिल जाएगा वहां ट्रू आ जाएगा, यानी 1, जहाँ 150 150 है वहां मल्टीप्लाई होगा। जैसे 8 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ट्रू में 1 ही तो हुआ, यानी कि वो वैल्यू बची हुई फॉल्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। 8 और 7 ही जिंदा बचेंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। अगले क्राइटेरिया में जाएंगे, अगर यहाँ कुछ और होता तो खाली 8 ही बचता, बाकी ये 0 हो जाता और बाकी बची हुई वैल्यूज का सम हो जाता है इसमें। ठीक है जी, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। मल्टीप्लाई जो है एक प्रोसीजर है, पहला तो ऐसे है, दूसरा भी समझा देता हूँ आगे। फॉर्मूले देखने में आपको बड़े लग सकते हैं, पर ये इतने कंफ्यूजिंग नहीं है। अब इसमें आपको सीधा सीधा ही समझ में आ रहा है 5 से 13 तक की ये जो वैल्यू है, ये आगे इसने चेक किया कि कौन E5, अपने में ही चेक किया इसने, अपनी रेंज में ही चेक कर दिया कि जो है 2 के बराबर है, 2 2 उठा ली। हाँ, फिर इसने AB वाली रेंज उठाई, AB वाली ये है कि कौन 0 से बड़ा है, यानी कि माइनस वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पहली कंडीशन थी 2 2, तो यहाँ पे भी है मेरा, यहाँ 2 यहाँ पे भी है। जैसे ही आगे नेक्स्ट कंडीशन में बढ़े तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि यहाँ फिर 0 हो गया, मल्टीप्लाई होता होता यहाँ 0 हो गया।
यानी एंड में बचता हुआ दो दो ये यहाँ पे आ गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया लास्ट वाले से जाके, मतलब लास्ट में जाके फाइनल हो गया, इसने इसका टोटल कर दिया। चल रही है ठीक है जी, जी। तो और कोई इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो 14, ये ट्राई करके देखेगा इसको अपने आप समझ आ जाएगा, इतना भी वो नहीं है, हो सकता है थोड़ा। फॉर समिंग वैल्यूज, फॉर काउंटिंग वैल्यूज, फॉर एवरेज वैल्यूज और मिसलिनियस। बाकी इसको अगर और भी ज्यादा देखना हो तो आप इसमें मिस्टर एक्सेल में देखें यूट्यूब पे, वहां आपको अच्छे खासे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। हालांकि ये यूज में कम आते हैं, तो इसलिए ये फॉर्मूला पे कमेंट करने के लिए मोस्टली यूज में इतने आते नहीं है। ठीक है जी, तो आज के लिए बस करें कि और चलें कुछ? काफी ठीक है जी, ओके, गुड नाइट। है।